हाल राजा उसकी बच्ची आगे चालू कर दी। जय राम जी की। जय राम जी की। जोर से बोला भैया। जय राम। हाँ वैसे मुझे पता है आज के टाइम पर राम का नाम मुझसे निकलता बहुत मुश्किल है, जोर आ रहा है निकलने का। अभी मैं आपसे बोलूं कि हेलो हाय भाई हाय ब्रो वो सब चिल्ला के बोलेंगे, राम का नाम नहीं मिलता है। राम ही राम है भाई। हाँ देखो ये राम है। ओ भाई साहब भी बैठे। पहले तो मैं सभी बुजुर्गों को प्रणाम कर दूं क्योंकि सर्दी का टाइम है, पता नहीं कल कौन निकल गया। सही बात है ना, क्योंकि सर्दी में क्या है बुजुर्ग आदमी जब भी सुबह उठता है ना सबसे पहले वो यही बोलता है अरे आज फिर बच गया। इसीलिए भाई साहब को प्रणाम, आपको भी प्रणाम। नहीं मैं तो बच्चा हूँ देखो अभी। हाँ तो भाई साहब ऐसा है कि हमारे देश के अंदर वो क्या एक बुजुर्ग आदमी था, बुजुर्ग की बात बताता हूँ मैं। 100 साल की उम्र हो गई, अंतिम समय चल रहा था, तो सारी जिंदगी राम का नाम ले लिया। उससे किसी ने कहा कि भाई साहब तो आप मर रहे हो बाबूजी, राम का नाम ले लो। बोले यार क्या फायदा, 10 मिनट बाद तो आमना सामना हो जाएगा। महान महान लोग हमारे देश के अंदर पैदा हुए, देश की लड़ाई लड़ी, जैसे महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। आज वो हमारे बीच में नहीं है और कुछ दिनों से मेरी भी तबीयत खराब चल रही है। अब मैं सोचता हूँ मेरे बाद देश का क्या होगा, किसको संभला के जाऊँ। एक बार तो विचार है मान जी को संभला दू। मैंने देखा यार मन संभालने में बहुत है, इसलिए मैंने संभालना पड़ता है, टाइम नहीं है इसके पास संग्रह में। और पुरुष ही नहीं महिलाएं भी वीरांगनाएं हुई हमारे देश में एक से, और महिलाओं और पुरुष के अंदर मैंने फर्क सिर्फ एक ही देखा है आज तक कि पुरुषों का दिल जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है, बहुत छोटा अपार दिल होता है उनका, महिलाओं का दिल बहुत छोटा होता है, उसके अंदर सिर्फ उसका पति रह सकता है और कोई नहीं समाता उसके अंदर। पुरुषों का दिल देखो है, पत्नी भी आ जाओ अड़ोस पड़ोस की भी आ जाओ रोज आती हो तुम ख्यालों में, मुझको दिखती हो मैं प्यालों में। अपने ऊपर आओ जो शौक उसके लिए हुआ है। रोज आती हो तुम ख्यालों में, मुझको दिखती हो मैं प्यालों में, मुझको पप्पी अगर नहीं दी तो, मुझको पप्पी अगर नहीं दी तो किले होंगी तुम्हारे गांव, किले होंगी तुम्हारे गांव में। मुझसे झगड़ा वो रोज करती है, बाद में फोन करके कहती है, और मुझसे झगड़ा वो रोज करती है, बाद में फोन करके कहती है, तेरी सूरत पसंद नहीं मुझको। नहीं ढूंढ लीजिए सूरत के, तेरी सूरत पसंद नहीं मुझको, वीडियो कॉल करके कहती देखो प्यार, देखो प्यार होता है। अच्छा लोग कहते हैं ना
क्या अंधा होता है, हकीकत में अंधा होता कैसे है जिसको पता ही नहीं, आज तक पता नहीं है, आज की बात में आज बोलूंगा कि प्यार अंधा होता कैसे। ये वाला प्यार नहीं छुपाना जो लड़के लड़के हुआ चलता है, ये नहीं। हकीकत में ये शब्द कहां से बना, एक मंदिर में बड़ी भीड़ लगी थी सर, तो वहां पर क्या भीड़ को वो पट बंद हो जाएंगे भगवान के, जल्दी चलो लोग भक्त हैं तो भगे भगे सभी जाते हैं, अंधा तो जिंदगी आ रहा है, अरे मैंने भगवान की तरफ पट बंद जाएगा मुझे उधर जाना, उसे किसने मजाक उड़ा दिया, बोले बाबा जी आप लगे क्या करोगे, आपको दिखता तो है ही नहीं। तो बुजुर्ग ने कहा कि बेटा मैं तो भगवान को नहीं देख सकता, पर भगवान तो मुझे देख लेंगे। तो ये था यहां से शब्द बना था कि प्यार अंधा होता है, हम नहीं देख सकते, सामने वाला तो देख रहा है ना, आप अपनी ड्यूटी निभाओ भाई, आप तो प्रपोज करो लड़के चाटा मार के चले जाए कोई बात नहीं, अपनी ड्यूटी निभाओ। तो ड्यूटी में मैंने कविता लिखी है कि मुझको दुबला वो रोज कहती है, दिन में ताने हजार देती है, मुझको दुबला वो रोज कहती है, दिन में ताने हजार देती है, उसकी शादी से बहुत खुश हूं मैं, उसकी शादी से बहुत खुश हूं मैं, अब वो गंजे के साथ रहती है। जो सब समझता है किधर भी मुंह घूम जाता है यार, सब जगह ये तो क्या करे, तो खेती आती जाती रहती है, इसलिए ये बस सोचो कि कोई कविता मैंने किधर देख के सुनाई, कोई कोई सुनाई है, नहीं नहीं तो किधर भी हो जाता है, कई बार बस सुबह कविता होती है की तरफ चला जाता है, वो फूर्ति मेरे को देख के सुना रहा है, नहीं नहीं खूबसूरती नहीं है ये मेकअप है। देखो बड़ा कमाल का होता है, बहुत कमाल की चीज है भाई साहब, यहाँ बैठे हैं गंजे में बाल उठा जाते हैं, हाँ नहीं बाल का भी एक तरीका है, जब माँ हाथ बेटी को बाल आते हैं तो लुगाई बैठ के बाल उठ जाते हैं, जब आप सही है आप देखो, हम आदमी जो लोग होते हैं जब कटिंग करा के आते हैं ना घर पे, कटिंग शेविंग सीधे आते हैं नहाते हैं, आपने देखा कभी कोई महिला ब्यूटी पार्लर से आई हो सीधे नहाने गई हो, बड़ी गंदी रहती है वो बात नहीं है। हाँ तो वो क्या था, मैंने शेर वही रुक गया, मैं कभी था हाँ वीडियो पर बद्दुआ मेरी उसको लग जाए, मेरा बदला भी पूरा हो जाए, बद्दुआ मेरी उसको लग जाए, मेरा बदला भी पूरा हो जाए, बीच रस्ते में छींक आए उसे, बीच रस्ते में छींक आए उसे, लूज मोशन वहीं पे लग जाए। सब समय अवधि है यार, करो तो क्या करता है, नहीं मैं बैठ जाता तो फिर वो है उससे लगे चलो चीफ गेस्ट साहब आ गए हैं, वो हमने प्रोग्राम जल्दी से जल्दी शुरू कर दिया सर। कुछ कविता की लाइन हो सुना दूं, बड़ा मजा आया कभी इनको देख के, कभी बैठे ना मेरे सामने सभी बहुत अच्छी कविता है, इनको देख देख सीखा मैंने, मैं तब से जानता हूँ जब ये एक एक इनको गोद में खिलाए उन्होंने, बहुत बुजुर्ग आदमी है। क्या पहली पहली शादी और पहली पहली रात थी, क्या बात थी, क्या पहली पहली शादी और पहली पहली रात थी, क्या बात थी, क्या बात है, कहां से शुरू करूं, क्या बात करूं, कुछ समझ में नहीं आया, कहां से शुरू करूं, क्या बात करूं, कुछ समझ में नहीं आया, फिर दिमाग में एक आइडिया आया, जरूरी थोड़ी है पहले बात भी करूं
जरूरी थोड़ी है पहले बात ही करूं। अरे बात से अगर बात ना बनी तो बात बिगड़ भी सकती है और गाड़ी शुरू होने से पहले पलट भी सकती है। बात से अगर बात आपको सोच रहा है ना जो आपके जमाने की कविता सर ये आप तो मजे हो रस है ये हाथ से रस है इसको क्या सूटे और चेयर में ऐसे नहीं हम ये भी बैठे हुए बैठा मैं तो क्या पांव से थोड़ा ऐसे हूं घुटने में दर्द रहता है आजकल कि जरूरी थोड़ी है मैं पहले बात ही करूं। बात से अगर बात ना बनी तो बात बिगड़ भी सकती है गाड़ी शुरू होने से पहले पलट भी सकती है। फिर लरजते हाथों से जो मैंने उसे छुआ भाई साहब याद आ गए हुआ जो लरजते हाथों से मैंने उसको छुआ याद आ गई हुआ और पहली बार मुझे अपनी शारीरिक कमजोरी का एहसास हुआ। किसी की दो ज्यादा समझ आती है। फिर समस्त देवताओं का स्मरण करके समस्त देवताओं का स्मरण करके जो मैंने इसका घूंघट उठाया और 50 का नोट टिकाया वो बोली बस 50 का नोट मुंह दिखाया में इतनी बड़ी चोट बस 50 का नोट मुंह दिखाया में इतनी बड़ी चोट। मैंने कहा कारवां धीरे धीरे चलते हैं और केवल मुंह दिखाए गए तो इतने ही मिलते हैं। सारी तनख्वाह घरवाली के हाथ में जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि कलाकार हो रही है और मेरा तो शाम से बोलता चला रहा हूँ।